नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो चौथा वीडियो है मेरा आज का, और अवेयरनेस पे है, मेडिटेशन सीरीज पे है। ठीक है, और इसके साथ साथ बता दूं कि मुझे लगभग 36 घंटे हो गए हैं कि मैं उसमें सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ, क्योंकि आईसीयू में बिजी रहा हूँ, न्यूबॉर्न बेबीज थे, वेंटिलेटर पे हैं। सो स्टिल इतने कुछ करने के बावजूद एक्टिव रहने के लिए मेडिटेशन बहुत काम आती है, इसके बहुत फायदे होते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, गूगल करिए, आपको हजारों रिसर्च मिल जाएंगी। और अगर इनसे किस किस को फायदा हुआ है, तो आपको बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े थॉट लीडर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सब मिलेंगे, जो कहते हैं, एंडोर्स करते हैं कि सुबह उठ के या जब भी आपको टाइम मिले मेडिटेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो आज जिस मेडिटेशन पर मैं बात करूंगा वो है त्राटक। अगर आपने त्राटक का भी फॉलो किया होगा, या अगर आपकी आईज में कभी प्रॉब्लम आई होगी और डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज बताई होगी, तो ये वाली एक्सरसाइज भी जरूर बताई होगी। तो त्राटक क्या होता है कि एक पॉइंट पे अपनी नजरें फिक्स करना। मान लो दीवार पे मैं यहाँ एक पॉइंट लगाता हूँ, तो इसी के लेवल पे खड़े होके या अपने लेवल पे बैठ के आपको उस पॉइंट पे फोकस करना है कंटिन्यूसली, और कोशिश करनी है पलक नहीं झुकानी, और जैसे ध्यान, सारा ध्यान वहीं फिक्स करना है। ध्यान अगर कहीं जाता है उसको वापस वहीं पे लाना है। जितनी देर आप अवेयर रहेंगे उतनी देर आप मेडिटेशन में हैं। सो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसके लिए आप दीवार पे निशान लगा सकते हैं, इसके लिए आप कोई दीपक जला सकते हैं, जो जला सकते हैं। इसके लिए श्री यंत्रा जो होता है, ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं। उसकी फ्रेम्स आपको नेट पे मिल जाएंगी, आराम से ब्लैक एंड व्हाइट मिल जाएंगी। अगर किसी ने बचपन में राजबपना का कोर्स किया है, माइंड पावर कोर्स किया है, तो उनके पास हो सकता है वो इमेज भी हो। मेरे पास बहुत सालों तक थी, लेकिन अब वो इमेज गुम हो गई है, तो मैंने ऑनलाइन ही विकीपीडिया पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, उस पर भी मिल जाएगा श्री यंत्रा, कहीं भी मिल जाएगा। मतलब आप उसको लेके प्रिंट आउट ले लीजिए, कलर्ड भी ले लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट भी ले लीजिए, और दोनों से आप यूज करिए। जिससे आपको ज्यादा अच्छा लगता है उससे आप मेडिटेट करिए। तो उसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं, आपका ध्यान इधर उधर जाता है, आपका लेफ्ट राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होता है, और बहुत सारे, जैसे हम कंप्यूटर में फाइल्स डिलीट करते हैं, वो फाइल डिलीट करने का काम करता है सबकॉन्शियसली, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारी फाइल्स वो डिलीट कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिटेशन है, बहुत ही सिंपल मेडिटेशन है, और इसमें ध्यान भी कम भटकता है, क्योंकि जब आप एक श्री यंत्र रखेंगे तो ध्यान भटकेगा उन्हीं ब्लॉक्स पे जाएगा, पिरामिड जैसे होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं। तो आप ढूंढिए, गूगल करिए, और या फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसमें भी आपको लिंक दे सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अवेयर रहिए अपने लिए, अवेयर रहिए दुनिया के लिए, और शांत रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और इस पीरियड को आराम से गुजारिए। आगे आने वाला टाइम अच्छा ही है, ये टाइम निकल जाएगा, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया, वो सीखिए और उसको बाद में लाइफ में अप्लाई करिए। तो दोस्तों, आज के मेडिटेशन सेक्शन में इतना ही। कल फिर किसी विषय पे मैं वीडियो लेके आऊंगा, और आपके अगर कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरत के लोगों को ये वीडियोस देखने को। अगर पेरेंटिंग पे आपकी कोई क्वेरीज है, पेरेंटिंग वाले वीडियोस देख लीजिए। अगर आपका डे टू डे एक्टिविटीज पे है, लर्निंग पे है, तो वो वीडियोस देख लीजिए। काफी सारे वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, और छोटे वीडियो हैं, 2 से 5-6 मिनट तक आराम से देखे जा सकते हैं। तो आपको ये कैसे लग रहे हैं वीडियोस, मुझे बताइए, और ये चलता रहेगा सिलसिला। 300 वीडियो का टारगेट है, लेकिन लॉकडाउन का पीरियड रहा तो मुझे लगता है ये 300 वीडियोस जल्दी हो जाएंगे, तो मे बी हम टारगेट को बढ़ा सकते हैं।